सबसे पहले एक वर्ड है हेल्पर, इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि इसी का जहां भी इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि हर एक वर्ड का क्या मतलब है, जब भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा इनका प्रेजेंस जरूर होगा। और अगर इनका प्रेजेंस आप देखें तो आप समझिए अगर एज ए रिएजेंट है तो क्या है कि वहां पे हो सकता है कि रेडिकल का फॉर्मेशन हो। सबसे पहले क्या है, एच फॉर हीट। हीट को हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो जहां भी हीट अगर इन्वॉल्व हो तो क्या होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मोलिसिस या पाइरोलिसिस। और मैक्सिमम जो बॉन्ड होते हैं, मैक्सिमम जो बॉन्ड है वो सारे के सारे 200 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर होमोलिसिस शो करते हैं। होमोलिसिस का किसे कहते हैं, दो तरह का बॉन्ड का जो होता है ब्रेकिंग होता है, एक हेटरोलिसिस एक होमोलिसिस। हेटरोलिसिस उसमें कहते हैं अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो और कोई एक जो है वो बॉन्डिंग वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोलिसिस। एंड होमोलिसिस किसे कहते हैं, जब दो एटम के बीच में अगर बॉन्डिंग है और उनका बॉन्ड अगर ब्रेक कर रहा हो और दोनों एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन अपने लेके बॉन्ड को ब्रेक करे तो उसे हम लोग होमोलिसिस कहते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड जो कि वीक होते हैं वो मैक्सिमम जो बॉन्ड सब है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर होमोलिसिस शो करते हैं। तो और सेकेंड जो है ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करके हम लोग होमोलिसिस कराते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत कम इस तरह के रिएक्शन होते हैं इसलिए मैंने इस पर ज्यादा इसको डिटेल नहीं किया है। और नेक्स्ट जो है वो लाइट, लाइट को हम लोग एच न्यू से डिनोट करते हैं। अगर कहीं पर भी हम लोग लाइट को रिएक्शन में दिखाना होता है तो वहां पे एच न्यू से डिनोट करते हैं। और जिस रिएक्शन में भी एच लाइट जो है इन्वॉल्व होता है वैसे रिएक्शन को हम लोग फोटोलिसिस कहते हैं। फोटोलिसिस कहते हैं क्योंकि फोटो लाइट से जो लाइट जो जो होता है जो जिसमें जो एनर्जी रहता है उसको हम लोग फोटोन जो है वो फोटोन के रूप में रहता है इसलिए हम लोग उससे क्या नाम देते हैं, फोटोलिसिस। तो जहां भी इसमें जो जैसे कि रेड लाइट जो होता है उसकी एनर्जी जो होती है 167 किलो जूल पर मोल होती है, वैसे ब्लू लाइट जो होती है उसकी एनर्जी जो होती है 293 किलो जूल पर मोल होती है। इनके पास यानी कि जो रेड लाइट या ब्लू लाइट है या जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट है उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है 586 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह का जो लाइट है इनके पास भी जो है एनर्जी है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड का ब्रेकेज कर सकता है। और अल्ट्रा वायलेट लाइट के कारण बहुत सारे स्किन्स के में भी रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि लाइट जो हम लोग सनबाथ लेते हैं उसमें अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट आए तो उसके कारण प्रॉब्लम होता है। और ये पेरोक्साइड, पेरोक्साइड जैसे कि H2O2 है, R2O2 है और ये फिनाइल PHO2 है, ये सारे के सारा जो है ये जो है पेरोक्साइड है। वैसे ही अगर रेडिकल प्रेजेंस हो यानी किसी रिएक्शन में अगर रेडिकल हो तो वहां पर भी वो रेडिकल क्या करेगा, दूसरे रेडिकल को जनरेट करेगा। पेरोक्साइड होगा तो क्या करेगा, वो रिएक्शन में रेडिकल को जनरेट करेगा। तो ये सारे के सारे जो है एज ए रिएजेंट जो है रेडिकल फॉर्मेशन में वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं कि किस किस तरह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो जो पहला सबसे है होमोलिसिस के द्वारा, सिग्मा बॉन्ड के होमोलिसिस से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है रेडिकल्स का। जैसे कि यहाँ सबसे सिंपल सा एग्जांपल हम लोग Cl2, Cl2 को अगर हम हीट दे या फिर हम लाइट दे तो क्या होगा, इसके बॉन्ड वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों की चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, इक्वल है, तो ये अगर बॉन्ड टूटेगा तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है, दोनों इक्वली मजबूत है तो कोई ज्यादा नहीं लेके जा सकता, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और वहां पे क्या होगा, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के पास एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन रेडिकल है। वैसे ही यहाँ पे जो आर ओ मैंने दिखाया है ये क्या करता है, इनके बीच में होमोलिसिस होगा अगर तो ये क्या होगा, ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो दोनों ऑक्सीजन एक एक और इलेक्ट्रॉन को लेके ये बॉन्ड का ब्रेकेज होगा इस साइड भी और इस साइड भी, तो क्या होगा, ओ आर जो रेडिकल है इसका फॉर्मेशन होगा। अब देखिए ये क्या है, ये AZO-20 आइसोब्यूटाइलरोनाइट्राइल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इसका नाम है अगर आप लोग, इसीलिए मैंने इसको दिया है क्योंकि ये जहां भी प्रेजेंस हो तो आप समझ जाइएगा कि क्या होने वाला है, यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होने वाला है। ये 66 to 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या हो जाता है, इसका होमोलिसिस हो जाता है, यानी काफी कम टेम्परेचर अगर हम रूम टेम्परेचर से बढ़ाएं तभी क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हो जाता है। कैसे होता है,
तो यहाँ वाला जो ये नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन के साथ जो ये नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनाए हुए है, इस बॉन्ड का होमोलिसिस होता है, इस वाले सिग्मा बॉन्ड का होमोलिसिस होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे आ जाता है, तो एक रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर भी सेम, इस साइड भी यही ग्रुप अटैच है, तो क्या होता है, यहाँ पर भी सेम होता है, ये कार्बन वाला और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर इस नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और N2 के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि दो रेडिकल हमें मिलेंगे और एक N2 मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसे हम लोग शॉर्ट में AIBN भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है, दूसरा जो है प्रोसेस, वो क्या है, रेडिकल फॉर्म्स बाय एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर मैंने क्या दिया है कि OR3 रेडिकल जो है इस HBr से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ROH और Br रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा था ना कि रेडिकल का प्रेजेंस हो तो समझेगा कि एक रेडिकल फॉर्म करेगा, वैसे ही देखिए यहाँ एक रेडिकल प्रेजेंस है, तो इस तरह से भी आप सोचिएगा कि एक रेडिकल तो फॉर्म करेगा, लेकिन कौन सा फॉर्म करेगा। यहाँ पे जैसे हम लोग अभी तक देखते थे कि बेस जो है प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, वहां पर हाइड्रोजन को जब वो लेता था तो क्या करता था, प्रोटोन को लेता था तो हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को देके देते हुए चला जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बॉन्ड के में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन वाला एक ब्रोमीन वाला, लेकिन जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये हाइड्रोजन को जब ये RO रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तब क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ निकल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विथ इट्स वन इलेक्ट्रॉन। ये नहीं है कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और प्रोटोन के रूप में निकलेगा, नहीं, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन में ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेके निकल रहा है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर देगा, यहाँ पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे और Br रेडिकल फॉर्म करेगा। एब्स्ट्रैक्शन इज रिएक्शन ऑफ रेडिकल विथ स्पीड पेयर्ड मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूस ए मॉलिक्यूल एंड ए रेडिकल। कहीं पर भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एक रेडिकल अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक दूसरा रेडिकल फॉर्म करेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो वैसे ही एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन जो है ये रेडिकल का फीचर है, कि अगर एक एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन कोई रेडिकल कर रहा है, यानी कि यहाँ पर तो स्पिन पेयर्ड है, ये बॉन्ड का फॉर्म करता है जब स्पिन पेयर्ड हो, लेकिन इसका स्पिन क्या है, अनपेयर्ड है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो जब भी ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा जिसका स्पिन पेयर्ड होगा और एक रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो क्या कह रहे हैं कि जब भी रेडिकल और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरा और एक दूसरा रेडिकल फॉर्म करेगा। रेडिकल्स फॉर्म बाय एडिशन, जब भी एक रेडिकल किसी मॉलिक्यूल के साथ अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो एक दूसरा रेडिकल फॉर्म करेगा। कैसे, क्योंकि जब भी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग चार्ज जो होता है किसी भी रिएक्शन के दौरान कंजर्व रहता है, यानी कि जैसा प्रोडक्ट में चार्ज अगर रिएक्टेंट में चार्ज अगर कुछ है तो वो प्रोडक्ट में जरूर होगा। सेम ऐसा स्पिन के साथ भी होता है कि स्पिन जो है वो जो होता है वो भी कंजर्व होता है। अगर यहाँ पर किसी भी रिएक्टेंट का स्पिन जो है अनपेयर्ड है किसी एक का, तो यहाँ पर भी वैसा होगा। वही सेम चीज यहाँ होगा, ये ब्रोमीन रेडिकल जो है इस अल्कीन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे एक रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है और ब्रोमीन इसके साथ एड हो रहा है। रेडिकल फॉर्म्स बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के थ्रू भी क्या होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जो डाई बेंजोइल पेरोक्साइड मैंने यहाँ पर दिया है, डाई बेंजोइल पेरोक्साइड CM उससे रेडिकल कैसे फॉर्म करेगा, यहाँ पे होमोलिसिस अगर हो, होमोलिसिस कब होगा, या तो हम हीट दे या फिर हम लाइट दे, जहां पर भी हम हीट देते हैं वो सेम लाइट से भी हो सकता है। कोई कोई ऐसा रिएक्शन होता है जहां लाइट जो है उतना एनर्जी नहीं दे पाता है, अगर हाई हीट की जरूरत है तभी केवल वहां पे हीट हम अलग से केवल हीट से वो रिएक्शन होता है। मैक्सिमम रिएक्शन जो होता है वहां पे या तो हीट या फिर लाइट, दोनों किसी को भी यूज करके हम कर सकते हैं। तो ये जो डाइबेंजोइल पेरोक्साइड है उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है, जब यहाँ पे होमोलिसिस होगा तो इस ऑक्सीजन का चाहे इस ऑक्सीजन का दोनों का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम होगा, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन ये ले जा सकता है उतना ही ये ले जा सकता है, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर ये लेके निकलेगा और ये रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये रेडिकल जो है उतना स्टेबल नहीं होता है, क्या होगा यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड में आएगा और यहाँ का इस साइड में आएगा तो रेडिकल यहाँ से फॉर्म करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और फिनाइल रेडिकल मिलेगा और CO2 जो है एज ए मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे।